आपका नया चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र आज से शुरू होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, यहीं से शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, याद करिए कहाँ पढ़े हैं, क्लास टेंथ में मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र आपने पढ़ा है और डिफिनेशन भी लिखवाई गई थी, आज फिर लिखवा दे रहा हूँ। एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच दो बार हो गया है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया अराउंड द मैग्नेट, किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र, इन विच जिसमें मैग्नेटिक नीडल चुंबकीय सुई डिफ्लेक्ट विक्षेपित होती है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसे मैग्नेटिक फील्ड क्यों या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम देखते हैं ओरेस्टेड का प्रयोग। ओरेस्टेड ने बाई चांस देखा क्या, क्या देखा? एक वायर था, उसमें करंट यानी धारा बह रही थी ना, मैग्नेटिक कंपास को चुंबकीय, क्या कहते हैं उसको, मैग्नेटिक कंपास को हिंदी में चुंबकीय सुई मान लीजिए, क्या चुंबकीय सुई को ना तार के पास ले गए, तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई, अरे वाह। फिर उन्होंने क्या किया, धारा की दिशा को बदल दिया, क्या किया, धारा की दिशा को बदल दिया, तब उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई पहले की अपेक्षा दूसरी दिशा में विक्षेपित होती है, यानी चुंबकीय सुई का विक्षेप किस दिशा में होगा यह धारा की दिशा पर निर्भर करता है। फिर सुन लीजिए, चुंबकीय सुई का विक्षेप किस दिशा में होगा यह धारा की दिशा पर निर्भर करता है। ओके, आइए देखते हैं ऑब्जर्व किए दैट नियर द करंट सब गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए, ओरेस्टेड ऑब्जर्व दैट नियर द करंट कैरिंग वायर द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है ना। ओरेस्टेड ने यह देखा कि धारावाही चालक करंट कैरिंग वायर मतलब धारावाही चालक। ओरेस्टेड ऑब्जर्व दैट नियर द करंट कैरिंग वायर द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स, ओरेस्टेड ने पाया कि धारावाही चालक के समीप चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, विच प्रूव्स दैट, जो सिद्ध करता है कि ए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पर देखो, यहां भी गलत लिख दिया हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, इससे सिद्ध होता है कि धारावाही चालक के समीप एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, एंड करंट कैरिंग वायर एक्ट्स एज मैग्नेट, और धारावाही तार
एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, एक चुंबक की भांति कार्य करता है। उन्होंने यहां देखिए, देखिए क्या किया, इस सेल जोड़ दिया, ये सेल क्या किया, जोड़ दिया, यहाँ की लगाया है, की को ओपन रखा, खुला छोड़ दिया, यहाँ मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल को यहाँ रखा, तो देखा कि मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में है, ठीक है। जैसे ही इन्होंने करंट ऑन किया, मतलब स्विच ऑन किया, मतलब कुंजी को बंद किया, देख रहे हैं ये निडिल जो है दाएं किधर ऊपर उड़ जाती है, क्या होती है, बाएं तरफ ऊपर उठती है, ठीक है, नॉर्थ था ना, ऊपर उठी, यहां गलत बना दिया हूं, पहले ऐसे था ना, अब कहां जा रही है, ऐसे ऐसे ना, साउथ नॉर्थ देख रहे हैं, तो नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, तार के समीप जा रहा है, तार के, अब धारा इसमें ऐसे बह रही बेटा, ऐसे बह रही ना, ऐसा लग रहा है जैसे यह तार क्या बन गया हो, साउथ पोल, क्या बन गया हो, ऐसा लग रहा है, इसलिए यह नॉर्थ पोल तार की तरफ जा रहा है और साउथ पोल तार से दूर भाग रहा है धारा की दिशा में, इट सीम्स सो, ऐसा मालूम पड़ता है। फिर इन्होंने क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी को बदल दिया, देख रहे हो ना, प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, फिर इन्होंने कुंजी को ऑन किया ना, अब धारा ऐसे बह रही है, ठीक है, तब इन्होंने देखा कि डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया, यहां से नॉर्थ देखो ऊपर उठा था, यहां से नॉर्थ क्या हो गया, नीचे हो गया, नॉर्थ क्या हो गया, नीचे हो गया, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अब यह तार जो है किसकी भांत, साउथ पोल की भांत व्यवहार कर रहा है, ये मैं अपने से जोड़ कह रहा हूं, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में, क्या एंटी, हला अभी आप जब उसमें कि यही है स्मरण शक्ति मेरी, पैनालिका, क्या पैनालिका जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे करंट जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नॉर्थ पोल बनता है, अब क्लॉकवाइज होता है तो साउथ पोल बनता है, ऐसा लग रहा है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर तार में धारा बह रही है तो उसके चारों तरफ क्या स्थापित हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक करंट, चुंबकीय क्षेत्र ना, धारा की दिशा बदलने पर निडिल के डिफ्लेक्शन की दिशा क्या हो रही है, बदल जा रही है, सुई के विक्षेप की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है, ठीक ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर है, ये वायर मतलब धारावाही तार है, वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। नोट इट प्लीज, एक किताब में मैंने देखा था, उसमें एक चीज और दिया था कि जैसे ये धारावाही चालक है आपका, ठीक है, और इसके समीप कोई एक चार्ज क्यों रखा गया है, क्या चार्ज क्यों रखा गया है जो रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, एक आवेश है, पॉइंट चार्ज है या कुछ भी ले लीजिए, वो अगर वह रेस्ट में है तो देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स ऑन चार्ज, ऑन चार्ज, हाँ, इफ इट इज इन रेस्ट, अगर धारावाही चालक के समीप
कोई आवेश विराम अवस्था में है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखते हैं ना क्यू, तो फील्ड के डायरेक्शन में एक बल यह कार्य करता है, यह बराबर क्या होता है क्यू ई, क्या होता है अगर प्लस चार्ज है तो, अगर माइनस चार्ज है तो, अगर माइनस क्यू है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करता है, यह बराबर क्यू ई, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, देख रहे हो ना। अगर रेस्ट में है तो भी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में कोई स्थिर आवेश है तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है, यहां तो कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बता रहा है कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है भाई, थोड़ा सा और पुष्टि करो ना, बोलो बेटा क्या क्या बता रहा है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिससे कोई कह नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, दोनों फील्ड होंगे, मान लीजिए आप जिद कर गए नहीं साहब मैग्नेटिक तो है ही मान लिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, इसका उत्तर क्या है, हमने एक चार्ज रख दिया और चार्ज ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस पर फोर्स क्या है, जीरो है, समझ आया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये मोशन में हो जाता, इसमें होता गतिमान हो जाता ये, ठीक है। फिर एक दूसरी चीज उन्होंने ये देखा कि अगर यह मिला हमको, अगर ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें हमने क्यू चार्ज को वी वेग से धारा की दिशा में हमने क्या किया, प्रक्षेपित किया या चला दिया, ये होता क्या है बेचारा कि ऐसे ये डिफ्लेक्ट होता है किसकी तरफ, वायर की तरफ, धारावाही तार की तरफ, ये क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, समझ आया। अब आप कहेंगे साहब अब आप बताइए, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कह देंगे ना अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए, लेकिन ऐसा आना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द करंट, मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट ना, रेट यही ना, तो मूविंग चार्ज क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। अब देखो जब ये मोशन में है ये क्या कर रहा है, करंट बन जा रहा है, ध्यान पड़े, जब ये आवेश गति करेगा तो क्या बनेगा, करंट बनेगा कि नहीं, जब बेटा ये करंट बनेगा तो फिर क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, बताओ हमको कि है कि नहीं है, अभी तो प्रूव किया ना कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो जब ये मूव कर रहा है तो यह भी तो करंट पैदा कर रहा है, जब करंट की भांति व्यवहार कर रहा है इसके चारों तरफ भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोलो भाई इसके चारों तरफ भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोलो, और दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगता है, लगता है कि नहीं, जरा देखो पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पास लाओ, दोनों सट जाते हैं, बिना सटाए खुद सट जाते हैं, और अगर समान ध्रुव समान पोल को लाते हो बिना दूर किए हो दूर हट जाते हैं ना, सेम पोल रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर ना, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रत्याशित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं,
तो यहाँ भी प्रूव हो रहा है कि जब जब कोई चार्ज पार्टिकल जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, गतिमान है, तो उसके चारों तरफ कौन सा फील्ड डेवलप होगा, कौन सा क्षेत्र स्थापित होगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। बस समझ गए ना। तो इस निष्कर्ष से मतलब यह भी जो ऑब्जर्वेशन है, यह भी जो निरीक्षण है ना, यह क्या दर्शा रहा है कि चालक के धारावाही चालक के समीप क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, इसको भी देखो। ऑब्जर्वेशन टू, ऑब्जर्वेशन टू, दूसरा ऑब्जर्वेशन, पहला तो रेसिडेंट वाला देख लिए। ये किसने बताया था मुझे याद नहीं है, नोट इट प्लीज। Biosavart observed that small magnetic field developed by a small element of current carrying conductor wire, भूल जाता हूँ यार, बहुत भुलक्कड़ हूँ मैं, current carrying wire at a point ना depends upon the following factors। किसी धारावाही चालक के सूक्ष्म अवयव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किसी धारावाही चालक के सूक्ष्म अवयव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब पहले आप ठीक से समझते हैं, माना एक करंट कैरिंग वायर है ये, ठीक है, इसका बहुत छोटा सा एक अवयव लिया। देखिए ध्यान दीजिएगा कि बायो सेवर्ट साहब ना ये पूरे तार के कारण किसी पॉइंट पर, पूरे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है यह उन्होंने नहीं बताया। क्या बताया, धारावाही चालक के सूक्ष्म अवयव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया ना। सबसे महान तो यही हुए बेचारे, अरे महान तो ओरेस्टेड साहब हुए, तब बायोसेवर साहब आ गए, इसके बाद तब और लोग आ गए ना। शुरुआत तो किसने किया, ओरेस्टेड साहब ने किया। कि बायोसेवर साहब ने क्या किया, इसका इस पूरे तार के कारण तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाए, चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल पाए, उन्होंने एक छोटा सा अवयव ले लिया, स्मॉल एलिमेंट ले लिया ना, और जिसकी लंबाई उन्होंने डीएल बताया। क्या बताया, और ध्यान दीजिएगा, और डीएल की दिशा बता दिया धारा की दिशा में, कहाँ बता दिया, धारा की दिशा में। यहाँ डीएल को वेक्टर के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है, और ये पॉइंट, क्योंकि और ये पॉइंट पी जहाँ पर उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जिस पॉइंट पर उसकी दूरी स्मॉल अवयव से क्या है, आर, क्या है, आर। अगर इसको हम मान लें ओरिजिन, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, क्या होगा, स्थापन सदिश होगा, ठीक है, है, ठीक है, मतलब स्मॉल अवयव से बिंदु की दूरी कितनी है, आर, और ये जो आर दूरी है स्मॉल एलिमेंट के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा, क्या बना रहा है, इतनी जानकारी मैंने दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, चुंबकीय क्षेत्र धारा के मान के अनुपाती होता है, मतलब इसमें धारा का मान जितना अधिक होगा यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा, उतना ही। दूसरा उन्होंने कहा, जन्म दे दिया यहीं से,
डीबी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल, मतलब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अवयव जितना लंबा होगा, जैसे जैसे लंबा होता चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता चला जाएगा। इसी बात उन्होंने क्या कहा कि डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा, यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट एंड पॉइंट एंड स्मॉल एलिमेंट का साइन। का साइन मतलब कि सूक्ष्म अवयव और सूक्ष्म अवयव और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के एंगल कोण की ज्या की, एक की अलग है ज्या अलग है। हिंदी बोला हूं कि ज्या, कोई को ज्या पढ़ लेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। कि ज्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चौथा क्या कहा, डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r2। दूरी जब बढ़ेगी तो डीबी का मान बहुत तेजी से घटेगा, बहुत तेजी से। अगर दुगुनी दूरी दो गुनी हुई तो डीबी कितना हो जाएगा, 1/2 by 1/4 हो जाएगा। समझ गया ना, दूरी दुगुना हुई तो डीबी चौथाई हो गई। दूरी तीन गुना कर देंगे तो डीबी 1/9 गुना हो जाएगी। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। इस प्रकार से क्या बनता है कि डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हाई स्कूल में आप लोगों ने डेरिवेशन यहां तक किया था, या डीबी इज इक्वल टू, नहीं दिख रहा है यहां पर, डीबी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 pi I dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसको हम लोग, यही फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज में यही फार्मूला आएगा। अपान आर स्क्वायर है बेटा ना, ये डीएल। चलिए, यह फार्मूला बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला है। तो अब आप इसको मिटा दो। टाइम साहब, ये म्यू जीरो क्या है, म्यू नॉट क्या है, ऐसे पढ़ते हैं इसको म्यू नॉट, अब पता नहीं मेरे मुंह से निकलता है म्यू जीरो, म्यू नॉट है ये। म्यू नॉट इज इक्वल टू पर मीएबिलिटी, विद्युतशीलता क्या है, सारी चुंबकशीलता यार, तो परमिटिविटी कह रहे हैं, चुंबकशीलता ना। और म्यू जीरो अपान जो 4 pi का मान होता है, दैट्स इक्वल टू 10^-7 न्यूटन अपान एम्पियर मीटर होता है, क्या एम्पियर का स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से, न्यूटन अपान एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है, हाँ होता है ना। ये इसका क्या, या वेबर प्रति पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर, या म्यू जीरो का मान। अच्छा, एक बात आपको बता दूं बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूँ, अभी जो कक्षा 10 का चला, नोट करें क्या, इतना नोट कर लीजिए, बताता हूँ। तो हमने कहा कि यह जो है
मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि है। जरा देखिए इसको मैं बनाता हूं कैसे। डीबी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, ठीक है, आई डी एल आर साइन थीटा। आर का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, क्या किया, आर का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो नीचे क्या हो गया, आर क्यूब। आर क्यूब बना। हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके, इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है कि नहीं होता है। अभी तो डायरेक्शन पता नहीं है, अभी डायरेक्शन इसको हम कह सकते हैं कि म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। अब यहां जो डीबी था अब क्या हो गया, वेक्टर डीबी हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया ये वेक्टर डीबी। चलो इसका डायरेक्शन निकालने का तो रूल है, अलग से दिया हुआ है, लेकिन जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, जब हम लोग वेक्टर तो ये जरा देखो हम लोगों ने क्या किया था, वेक्टर ये था, ये वेक्टर बी था, ठीक है, इसके बीच का एंगल क्या था थीटा। हमने कहा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, हमने कहा ए क्रॉस बी है, ए पर अपना हथेली रखो, ठीक है, रखो और इसको मोड़ो बी की तरफ, ये कहाँ आए, आउटवर्ड, कहाँ आए, ये ए और बी के परपेंडिकुलर है और क्या है, आउटवर्ड है। जो हमने कहा बी क्रॉस ए, बी हमने रखवाया, अब क्या हो गया, इनवर्ड, अंदर की तरफ, कहाँ हो गया, अंदर की तरफ। इसीलिए तो डायरेक्शन ही तो चेंज होने के लिए बताया गया था कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बोलो क्यों, और बताया गया था कि इनके बीच का जो एंगल है वह कितना है, 180 डिग्री, याद है, न याद है फिर इसे याद कर लो, ए क्रॉस बी बाहर, बी क्रॉस ए अंदर, ठीक। अभी उसी से डायरेक्शन हम निकालेंगे। अब क्या है जरा देखिए, यहां स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने डीएल, एक क्या ले लिया वेक्टर आर, ये क्या हो गया थीटा, डीएल क्रॉस, डीएल क्रॉस थीटा, डीएल क्रॉस आर कहाँ है, अंदर, इनवर्ड, ये क्या है, उसको क्या लिखेंगे, इनवर्ड। इनवर्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, इनवर्ड गोला बना दिए, ये क्या है, इनवर्ड, इनवर्ड टू बोर्ड, आप लिखेंगे कॉपी, इनवर्ड टू कॉपी। अच्छा चलो यहां जरा देखो, ऐसे देखो भाई, देखो पॉइंट हमने यहां ले लिया और ये हो गया, धारा ऐसे बह रही है, डीएल का डायरेक्शन ऐसे है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये है थीटा। अब देखो यहां रखा, इधर मोड़ा, आउटवर्ड, डीएल क्रॉस, डीएल क्रॉस वेक्टर, डीएल क्रॉस वेक्टर आर, अब ये क्या हो गया, आउटवर्ड, मतलब ये आउटवर्ड, आउटवर्ड ना मतलब डायरेक्शन ऑफ डीबी, डायरेक्शन ऑफ डीबी।
इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर, डीएल एंड वेक्टर, डीएल एंड वेक्टर आर, डायरेक्शन ऑफ डीबी है, डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, डीएल एंड वेक्टर आर, है इट मे बी आइदर आइदर इनवर्ड, इनवर्ड इनवर्ड कहते हैं ऐसे, इनवर्ड आर आउटवर्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड ना आर अपवर्ड अपवर्ड, ये आर डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड ना, अपवर्ड आर अब पाओ साहब कैसे अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है। सपोज करो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, चलो पहले इतना नोट करो, एक क्वेश्चन करवाते हैं, पहले ज्यादा परेशान मत हो, इसको नोट करो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तो हो गया कि नहीं अभी, अच्छा नोट कर लो इसको भाई, पीरियड ओवर हो गया ना, समय 5 मिनट ज़्यादा ही ले लिया। अब इस पर एकाध दो हल्का छोटा सा नमूना न्यूमेरिकल का दूंगा, डायरेक्शन सिर्फ पूछूंगा, ठीक है। इसके बाद परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी में रिलेशन अगले वीडियो में और होगा, और एक टॉपिक और होगा, अगर इनफाइनाइट मतलब पूरे तार के कारण, क्या अगर तार की लंबाई सीमित है तो पूरे तार के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, पूरे तार के कारण। बायो सेवर्ट साहब ने तो केवल एक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया, छोटा सा डीबी क्या रहा है। अब बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेक्टर बी, ठीक है। तब तक के लिए बाय।